अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें आपके साथ में शेयर करूंगा और आपकी तरफ से काफ़ी जरूरी कमेंट आई है, उनके जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से जानकारी आई है कि पिछले एक हफ्ते में लगभग 15,000 से भी ज़्यादा गैर मुल्की लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो बॉर्डर सिक्योरिटी वर्क रेसिडेंसी का उल्लंघन कर रहे थे, यानी जिनके काम में एक्सपायर थे या वो भाग के काम कर रहे थे या उनके ऊपर हुरूप था या किसी भी तरीके से अगर वो इलीगल थे सऊदी अरब के अंदर, तो लगभग 15,000 से भी ज़्यादा गैर मुल्कियों को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। और यहाँ पर मैं भी आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप के पास एकामा नहीं है या आप जो है भाग के काम कर रहे हैं या आपके ऊपर हुरूप है या किसी भी तरीके से आप वॉयलेशन कर रहे हैं सऊदी अरब के अंदर और आप जो है यहाँ से जाना चाहते हैं फाइनल एग्जिट पे, तो नॉर्मली फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा करके जाएं। अगर आपको यहाँ पर पकड़ के डिपोर्ट कर दिया तो फिर सिर्फ उमरा और हज करने के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं, नए वर्क वीज़ा पे सऊदी अरब कभी भी नहीं आ सकते। और इसके अलावा एक और ज़रूरी खबर यहाँ पर मैं आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स की तरफ से आई है। जैसे कि आपको मालूम है कि कुछ हफ्ते पहले एक ऐलान किया गया था कि अब जो है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, कंपनियों में लोग जो काम करते हैं, उनके काम में 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए जो है बनेंगे। तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स से एक सवाल पूछा जा रहा था कि क्या अब जो है 1 साल के लिए एकामा नहीं बनेगा क्या। तो यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट्स ने इसका जवाब दिया है कि यहाँ पर जो न्यूज़ आई है यानी जो परमिशन दी गई है 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए, पर जो 1 साल वाली है वो भी अभी मौजूद है। अगर कोई वर्कर या कोई कंपनी या कोई कफील जो है अपने जो आमिल है उसका जो वर्कर का 1 साल के लिए एकामे को एक्सटेंड करना चाहता है, रिन्यूअल करना चाहता है, तो 1 साल की फ़ीस जमा करके 1 साल के लिए भी उसको रिन्यूअल किया जा सकता है, लेकिन 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 9 महीने के लिए भी कर सकते हैं। इसका फ़ायदा सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जो प्राइवेट सेक्टर में, कंपनी में, मुसस्से में काम करते हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो जो है इससे फ़ायदा नहीं उठा सकते, उनको पूरी फ़ीस जमा करनी होगी 1 साल के लिए, वो 3 महीने के लिए उनका एकामा एक्सटेंड नहीं होगा। और आज जो है एक और बुरी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सऊदी अरब के अंदर देखिए कोरोना वायरस के केसेस तो बढ़ रहे थे लेकिन आज तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। पिछले 24 घंटे में 116 नए केस निकले हैं सऊदी अरब के अंदर, जो कि मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद जो है इतने ज़्यादा केस निकले हैं। 96 लोग इस बीमारी से सेहतयाब हुए हैं, 1 मौत हुई है, 34 क्रिटिकल केस हैं जिनको ICU में रखा गया है। आप लोग जो इसके लिए दुआ कीजिएगा कि इस साल जो है कोरोना वायरस के केसेस ना बढ़ें। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली बार जो है मैं जाड़ों में ही गया था इंडिया छुट्टी, और कितने जो है वहाँ पे केसेस थे, कितनी मौत हुई, क्योंकि जाड़ों में जो है ज़्यादातर जो है केसेस बढ़ जाते हैं कोरोना वायरस के। और इसके अलावा एक और ज़रूरी खबर यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, रबड़ न्यूज़ पर आई है चश्मों की दुकानों के बारे में। यहाँ पर सऊदीजेशन भी किया जा रहा है, लगभग नजरान में 58% जो है सऊदीजेशन हो चुका है चश्मों की दुकानों पर, यानी जहाँ पे चश्मे बिकते हैं जो दुकान है वहाँ पर जो गैर मुल्की इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग जो है काम कर रहे थे, चश्मे बेच रहे थे, उनको जो है वहाँ से हटाया जा रहा है। और लगभग 58% जो है नजरान में हो भी चुकी है सऊदीजेशन। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लगभग सऊदी अरब के अंदर लगभग मार्केट सेक्टर हो या बाकी बहुत सारे सेक्टर हैं, पहले मैं इन पर जो है वीडियो बना चुका हूँ, सऊदीजेशन जो है बहुत ही तेज़ी से हो रही है। यहाँ पर कहने का मकसद यह है और यह न्यूज़ जो है बताने का मकसद ये है, देखिए यहाँ पर जो है कोई भी परमानेंट तो यहाँ पर है नहीं, एक ना एक दिन तो जाना ही है, तो बेहतर ये है कि फ्यूचर प्लानिंग करें, कुछ ना कुछ जो है सेविंग करें, ताकि इंडिया से अगर आप हैं तो इंडिया में कोई कारोबार कर सकें जाने के बाद, या अगर पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान में कुछ ना कुछ कर सकें, क्योंकि जो बड़ी पोस्ट के लोग हैं उनको तो लगभग जो है हटाया जा चुका है, जो इंजीनियर की पोस्ट हैं या और भी जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं वहाँ पर सबको जो है सऊदियों को जो है बिठाया गया है मार्केट सेक्टर में। और अब देखिए चश्मों की दुकानों में भी जो है जो गैर मुल्की हैं उनको हटाया जा रहा है और जो सऊदी शहरी हैं उनको वहाँ पर बिठाया जाएगा। और आज का रियाल का रेट आपको बताना चाहूँगा, तो फोरी बैंक 1 रियाल के बदले 20 रुपये दे रहा है, एंजाज बैंक 20 रुपये 6 पैसे, STC पे 20 रुपये, तहवील अल राजी 19 रुपये 67 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 20 रुपये, मनीग्राम 20 रुपये 7 पैसे। और इसके अलावा जो है काफ़ी सारे ज़रूरी सवाल पूछे गए हैं आपकी तरफ से, तो हो सकता है कि आपके सवाल को मैंने इस वीडियो में लिया हो, तो वीडियो आप आखिर तक जरूर देखें। यहाँ पर एक सवाल पूछा गया है मोहम्मद अनीस की तरफ से, उन्होंने मालूम किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, क्या आप बता सकते हो कि तरहील से आने के कितने दिन बाद सऊदी न्यू वीज़ा पे जा सकते हैं, कितने साल के बैन होता है। तो भाई यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, देखिए 14 मार्च 2021 से पहले जो रूल्स रेगुलेशन था वो ये था कि आपके जो जुर्म होता था उसके हिसाब से पाबंदी लगाई जाती थी कि 3 साल के लिए, 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। लेकिन अभी जो नए रूल्स रेगुलेशन बने हैं, अगर किसी को यहाँ से डिपोर्ट किया गया है तरहील के जरिए भेजा गया है, तो
तो कभी भी सऊदी अरब पूरी जिंदगी भर कभी भी नए वर्क वीजा पे नहीं आ सकते, सिर्फ उमरा करने के लिए या हज करने के लिए आ सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर एक और सवाल पूछा गया है, भाई एकामा खलास है, घर जाने का रास्ता बताना। तो भाई जिन लोगों का एकामा एक्सपायर है, हरूब है, भागे हुए हैं, या कफील कंपनी एकामा नहीं बनाते, नहीं बन रहा है किसी भी तरीके से, तो फिर आपको जाना होगा इंडियन एम्बेसी में। वहाँ पर एक फॉर्म वो देंगे, आपको वो भरना होगा, फिर इंतज़ार करना होगा। हो सकता है 3 महीने लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे। जब भी आपका नंबर आ जाएगा, जब भी आपका जो फाइनल एग्जिट वीज़ा वो लगवा देंगे, तब वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे और आप जो है इंडिया जा सकते हैं। तो आपको इंडियन एम्बेसी से जो है कॉन्टेक्ट करना होगा। और इसके अलावा जो है और यहाँ पर सवाल पूछा गया है, विजिट वीज़ा वालों का भी क्वारंटीन होगा या नहीं? तो भाई जिसने भी सऊदी अरब से बाहर वैक्सीन लगवाई है, उन सब लोगों का सऊदी अरब के अंदर आने पर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा 5 दिन का। और सऊदी अरब के अंदर अगर एक वैक्सीन लगवाई है तो फिर ऐसी सूरत में 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन होगा। चलो आज एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया है, भाई वीजा कब तक बढ़ेगा, कोई अपडेट है कि? भाई अपडेट तो आई है, लोग जवाजात से जो है लगातार पूछ रहे हैं इसके बारे में। तो वो वहाँ पर यही जवाब दे रहे हैं कि जब आपका नंबर आ जाएगा तो हम आपके एकामे को भी, रेंट्री वीज़ा को भी एक्सटेंड कर देंगे। या तो आप इंतज़ार करें या फिर फीस पे करके अपने कफील कंपनी से बात करें, वो आपके एग्जिट रेंट्री वीज़ा को भी और एकामे को भी एक्सटेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा एक जरूरी सवाल यहाँ पर पूछा गया है शहजाद अहमद की तरफ से, सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम असलम। क्या सऊदी एयरलाइंस बंद हो रही है क्या 31 दिसंबर तक? क्योंकि 31 दिसंबर का फ्लाइट है हमारा, तो अगर आपको कुछ मालूम है तो हमें ज़रूर बताएं। तो भाई देखिए, यहाँ पर जो है अभी फ्लाइट्स बंद होने के बारे में कोई भी जानकारी नहीं आई है, लेकिन सऊदी एयरलाइंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ से तो चली जाती है फ्लाइट, हमारे साथ के भी जो है काफ़ी सारे लड़के गए हैं सऊदी अरब से इंडिया चले गए, सऊदी एयरलाइंस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब उनका नंबर आया आने का वापस, तो उनकी फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई। 2 दिन पहले मैसेज आ गया कि आपकी फ़्लाइट जो है कैंसिल हो गई, फिर उन्होंने जो है दोबारा से टिकट खरीदा और वो वहाँ से आए हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, अगर सऊदी एयरलाइन से आप जा रहे हैं तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन आने के टाइम पर जो है बहुत ज़्यादा चांस है कि सऊदी एयरलाइन जो है कैंसिल हो जाती है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें, या फिर ऐसा करें किसी और एयरलाइंस का जो है टिकट लेकर के जाएँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शिकायत आ रही है वो सऊदी एयरलाइन जो है कैंसिल हो रही है बार बार, जो लोग इंडिया से सऊदी अरब आ रहे हैं, लेकिन जो चार्टर फ्लाइट के तौर पे जो है चल रही है वो। तो आप जो है किसी एजेंट से जो है बात करें, या ट्रेवल एजेंट जो भी है आपको जो है टिकट प्रोवाइड कर देंगे वो। और चार्टर फ्लाइट की जो डिटेल होती है वो ऑनलाइन शो भी नहीं होती, तो आप किसी एजेंट से बात कर लें अगर आप आना चाहते हैं सऊदी एयरलाइन से, तो वो आपको टिकट प्रोवाइड कर देंगे। तो ये कुछ जरूरी जानकारी थी, कुछ जरूरी सवाल पूछे गए थे आप लोगों की तरफ से, उनके जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सऊदी अरब की लेटेस्ट न्यूज़ इस चैनल पर मैं लेके आता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।